नमस्कार, खेल समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं गौरव कुमार और आज दोस्तों मुकाबला जो है वो एशिया कप के सुपर फोर में अहम मुकाबला इस वक्त श्रीलंका और पाकिस्तान के बीच चल रहा है और इस मुकाबले में जो भी टीम जीत दर्ज करेगी वो 17 सितंबर को भारत से फाइनल में भिड़ेगी। तो इस खबर पर भी हम नज़र डालेंगे। इसके अलावा हम देखेंगे कि एशियन गेम्स के लिए भारतीय फुटबॉल टीम की जो है वो घोषणा हो चुकी है। तो इन सब खबरों को विस्तार से देखेंगे, लेकिन सबसे पहले नज़र डालते हैं क्या है इस वक्त की स्पोर्ट्स हेडलाइंस। पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच एशिया कप के सुपर फोर के अहम मुकाबले में पाकिस्तान ने जीता टॉस, पहले बल्लेबाजी का लिया फैसला। बारिश के चलते 45-45 ओवर का होगा मुकाबला। जीत दर्ज करने वाली टीम 17 सितंबर को फाइनल में भारत से भिड़ेगी। इंग्लिश बल्लेबाज बेन स्टोक्स के तूफान में उड़ा न्यूजीलैंड। तीसरे वनडे में इंग्लैंड को 181 रन से धोया। अकेले स्टोक्स ने बनाए 182 रन। चार मैच की वनडे सीरीज में इंग्लैंड ने बनाई 2-1 की बढ़त। और एशियन गेम्स के लिए भारतीय फुटबॉल टीम के 17 सदस्यीय दल की हुई घोषणा। टीम की कमान सुनील छेत्री के हाथ में। और आइए खबरों की शुरुआत करते हैं एशिया कप की खबरों के साथ। एशिया कप में आज सुपर फोर राउंड के में कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में पाकिस्तान का सामना श्रीलंका से हो रहा है। बारिश के चलते ये मुकाबला 45-45 ओवर का कर दिया गया है। इस मैच में पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। पाकिस्तान की शुरुआत अच्छी नहीं रही और फकर जमा 4 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। ताज़ा समाचार मिलने तक पाकिस्तान ने 1 विकेट के नुकसान पर 72 रन बना लिए हैं। फाइनल में पहुँचने के लिए ये मैच दोनों टीमों के लिए करो या मरो जैसा है। इस मैच को जीतने वाली टीम फाइनल में पहुंच जाएगी, जहां उनका सामना 17 सितंबर को भारत से होगा। और इस मुकाबले पर और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे जुड़ते हैं कोलंबो में मौजूद अपने संवाददाता अहमद मुईन फारूकी से। तो बिल्कुल फारूकी जी, जिस तरह से ये पूरा एक दौर हमने देखा, किस तरह से पहले ग्रुप स्टेजेस में मुकाबले हुए, रोमांचक दौर के मुकाबले हुए, और अब ये सुपर फोर का ये जो मुकाबला है पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच, दोनों ही टीमों के बीच काफ़ी एक टेंशन की स्थिति है, क्योंकि एक ऐसा मैच है जहां पर जीत जो है वो केवल आपको फाइनल में पहुंचाएगी और हारते ही आपका जो कहना चाहिए जो सफ़र है वो समाप्त हो जाएगा। तो कैसे देखते हैं इस पूरे मैच को, और बारिश के बीच में कितनी मुश्किलें जो हैं वो अब बढ़ती हुई दिखेंगी दोनों टीमों के लिए? फारूकी जी, अगर आपको हमारी आवाज़ आ रही है तो जिस तरह का ये पूरा मैच रहा है, अगर पूरा एक टूर्नामेंट को उठा करके देखें तो जिस तरह से श्रीलंका ने परफॉर्म किया है, उस परफॉर्मेंस के बाद पाकिस्तान के खिलाफ अगर इस मुकाबले को देखा जाए तो किस तरह से बनते हुए समीकरण को देख रहे हैं, क्योंकि दोनों ही टीमों के लिए ये मैच जो है वो करो या मरो जैसा है? तो चलिए फारूकी से हम बाद में जुड़ने की कोशिश करेंगे। बहरहाल रुक कर लेते हैं अगली खबर का, और अगली खबर जो है वो इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के मुकाबले की है, जहां पर इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच खेली जा रही 4 मैच की वनडे सीरीज के तीसरे मैच में इंग्लैंड को 181 रन से जीत मिली। इस मैच में इंग्लैंड के ऑलराउंडर बेन स्टोक्स का बल्ला जमकर बोला और वो वनडे क्रिकेट में दोहरा शतक जड़ने से चूक गए। उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले गए मैच में 182 रन की तूफानी पारी खेली। उनके अलावा डेविड मालन ने 96 रन की आतिशी पारी खेली। इसी के साथ बेन स्टोक्स इंग्लैंड के लिए सबसे बड़ी व्यक्तिगत पारी खेलने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। स्टोक्स की पारी की बदौलत इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड के सामने जीत के लिए 368 रन का लक्ष्य रखा। न्यूजीलैंड की ओर से ट्रेंट बोल्ट ने 5 विकेट, बेन लिस्टर ने 3, लॉकी फर्ग्यूसन और क्लेन
फिलिप्स ने एक एक विकेट चटकाए। 367 रन के लक्ष्य के जवाब में न्यूजीलैंड की टीम 187 रन पर ढेर हो गई। टीम के लिए सबसे ज्यादा ग्लेन फिलिप्स ने 72 रन बनाए। चार मैचों की सीरीज में फिलहाल इंग्लैंड ने 2-1 की बढ़त बना ली है। और आइए अब एक बार फिर से अपने कोलंबो में मौजूद अपने संवाददाता अहमद मोइन फारूकी जी से जुड़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। जी फारूकी जी, किस तरह से देखते हैं इस मुकाबले को, क्योंकि ये काफी एक बड़ा मुकाबला बन चुका है, क्योंकि यहाँ पर जीत जो है वही केवल आपको आगे बढ़ा पाएगी, क्योंकि हारने के बाद तो आपका कहना चाहिए सफर जो है वो समाप्त हो जाएगा। तो किस प्रेशर के साथ हैं दोनों टीमें, और अब बारिश के बीच में क्या क्या मौजूदा जो समीकरण है, अगर बीच में बारिश भी अगर आ जाती है या बारिश के चलते मुकाबला नहीं हो पाता है, तो फिर क्या कुछ समीकरण जो है वो बनते हुए नजर आएंगे यहाँ पर? गौरव बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ये या तो करो या मरो की स्थिति हो गई है दोनों टीमों के लिए, श्रीलंका और पाकिस्तान दोनों के लिए। हालांकि ये मैं कहना चाहूंगा कि बारिश की स्थिति तो है ही, बारिश कभी भी आ सकती है, और जो मेट डिपार्टमेंट श्रीलंका का उसने ऑलरेडी एक अनाउंसमेंट दे रखा है कि आज शायद बारिश की स्थिति और भी शाम में रहे। इसी के साथ साथ हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि जब मैच शुरू हो रहा था उस वक्त में भी बारिश थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की थी, और उस कारण 45-45 ओवर का मैच हो रहा है। ऐसे स्थिति में ये हम इसकी भी एक संभावना हम देख सकते हैं कि अगर वॉशआउट हो जाता है तो इसके बाद श्रीलंका सीधा फाइनल में पहुंच जाएगा, क्योंकि उनका नेट रन रेट पाकिस्तान से बेहतर है, और ऐसे ही पाकिस्तान विल बी आउट ऑफ द सीरीज। लेकिन इसके साथ साथ मैं एक और चीज कहना चाहूंगा, पाकिस्तान की टीम काफी हद तक इंजरीज के साथ चल रही है, उनका जो पेस अटैक है वो काफी हद तक अपने इंजरीज के कारण सफर कर रहा था, और उसी के साथ साथ आज हमने देखा इमामुल हक, उन्होंने भी अपना बैक स्प्रेन कर दिया वार्म अप के दौरान, जिसकी वजह से वो नहीं खेल रहे। अब जितना अभी मैं स्कोर देख पा रहा हूँ, 2 विकेट ऑलरेडी पाकिस्तान के जा चुके हैं, और इसके बाद हम अगर देख सकते हैं देर इज अ पॉसिबिलिटी कि श्रीलंका के स्पिनर शायद कुछ अपना जादू चला पाए, हालांकि टर्न हम ज्यादा नहीं देख पा रहे हैं पिच पे। ये वही पिच है जो भारत श्रीलंका की मैच में हमने देखा था कि काफी हद तक टर्न मिला था श्रीलंका के स्पिनर्स को, लेकिन आज उतना टर्न नहीं दिख रहा है, लेकिन देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि शायद कुछ उनको असिस्टेंस मिल जाए। तो देखने में ये ऐसा लगता है कि दोनों के लिए काफी सिग्निफिकेंट गेम है, और दोनों काफी जोश से अपनी कोशिश में लगे। बिल्कुल फारूकी जी, बिल्कुल ये तो हम जान रहे हैं कि आज पाकिस्तान और श्रीलंका के लिए करो या मरो का मुकाबला है, लेकिन अगर भारतीय टीम की बात करें तो भारतीय टीम जो है वो फाइनल में पहले ही पहुंच चुकी है, लेकिन कल टीम का एक मुकाबला बांग्लादेश के साथ है। तो क्या आपको लगता है कि यहाँ पर टीम मैनेजमेंट जो है वो कुछ ना कुछ एक एक्सपेरिमेंट करना चाहेगा, कुछ बेंच स्ट्रेंथ को यहाँ पर टटोलने की जो बेंच स्ट्रेंथ की क्या कुछ ताकत है उसको टटोलने की एक कोशिश रहेगी? बिल्कुल गौरव, ये एक डेड रबर हम मानेंगे, क्योंकि इसका परिणाम जो भी होगा ये फाइनल से कोई इसका वास्ता नहीं है। भारत ऑलरेडी पहुंच चुका है फाइनल में और बांग्लादेश सीरीज से आउट हो चुका है, तो ऐसे में इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं रहता गेम में। लेकिन दोनों टीमें इस मुकाबले में ये कोशिश करेंगी कि अपना बेहतर ही प्रदर्शन करके दिखाएं। भारत ये चाहेगा कि अपना, जैसे आपने कहा, बेंच स्ट्रेंथ को टेस्ट करने की कोशिश करेगा। भारत में भरपूर टैलेंट भरा पड़ा है। अब हम आज जो हमने नेट प्रैक्टिस देखी थी उसमें हमने देखा कि श्रेयस अय्यर वापस नेट प्रैक्टिस में कोशिश कर रहे थे, मैच की प्रैक्टिस में, तो एक ये संभावना है कि शायद श्रेयस अय्यर मिडल ऑर्डर में आए, और ये हो सकता है ईशान किशन या केएल राहुल की जगह में, तो ये भी एक ऑप्शन टीम मैनेजमेंट सोच सकता है। ओपनिंग का भी शायद कुछ दूसरा एक एक्सपेरिमेंट करना चाहें, क्योंकि अभी वर्ल्ड कप की भी तैयारी है, तो ये सारी कॉम्बिनेशंस को शायद आजमाने के लिए एक अच्छा मौका मिलेगा भारत के लिए। बिल्कुल एक अच्छा मौका रहेगा भारत के लिए, और कहीं ना कहीं देखना होगा कि भारतीय टीम जो है वो फाइनल से पहले खुद को किस तरह से तैयार करती है। बहरहाल आपने ये तमाम जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक, और अब बात कर लेते हैं वनडे रैंकिंग की। आईसीसी की ताजा जारी वनडे रैंकिंग में भारतीय खिलाड़ियों को फायदा हुआ है। खास बात यह है कि बल्लेबाजों की रैंकिंग में टॉप 10 में 3 भारतीय बल्लेबाज शामिल हैं। जनवरी 2019 के बाद यह पहला मौका है जब भारत के 3 बल्लेबाज टॉप 10 में
पहुंचे हैं। आईसीसी की ताजा जारी बल्लेबाजी रैंकिंग में भारत के 3 बल्लेबाज शीर्ष 10 में शामिल हो गए हैं। जनवरी 2019 के बाद से ये पहला मौका है जब भारत के 3 बल्लेबाज टॉप 10 में शामिल हैं। सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल ने अपने करियर की सर्वश्रेष्ठ दूसरी रैंकिंग हासिल की है। वे मौजूदा सूची में भारत के सर्वोच्च रैंकिंग वाले बल्लेबाज हैं। शुभमन गिल ने एशिया कप में पाकिस्तान के खिलाफ मैच में 58 रन बनाए थे। शुभमन गिल और रोहित शर्मा के बीच पहले विकेट के लिए 121 रन की शानदार साझेदारी हुई थी। इसके बाद शुभमन गिल को एक स्थान का फायदा हुआ है। भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा और विराट कोहली को भी दो दो स्थान का फायदा हुआ है। रोहित शर्मा 8वें स्थान पर हैं। रोहित शर्मा ने पाकिस्तान और श्रीलंका के खिलाफ खेले गए मुकाबलों में अर्धशतक लगाया। विराट कोहली 9वें स्थान पर हैं। विराट कोहली ने पाकिस्तान के खिलाफ मैच में 122 रन की नाबाद शतकीय पारी खेली थी। इससे पहले जनवरी 2019 में रोहित शर्मा, विराट कोहली और शिखर धवन शीर्ष 10 में शामिल 3 भारतीय बल्लेबाज थे। सितंबर 2018 में भी ये तीनों ही शीर्ष 10 में थे। गेंदबाजों की सूची में भारत के कुलदीप यादव 5 स्थान के फायदे के साथ 7वें स्थान पर पहुंच गए हैं। कुलदीप ने एशिया कप में पाकिस्तान के खिलाफ मैच में शानदार प्रदर्शन करते हुए 5 विकेट हासिल किए थे। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। और अब बात कर लेते हैं बैडमिंटन की, जहां त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद की भारतीय महिला युगल जोड़ी को आज हांगकांग ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के प्री क्वार्टर फाइनल में हार का मुंह देखना पड़ा। भारतीय जोड़ी को इंडोनेशियाई जोड़ी ने 21-14 के अंतर से हरा दिया। वहीं भारत की तनिषा क्रास्टो और अश्विनी पोनप्पा की जोड़ी ने हांगकांग ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता के महिला युगल प्री क्वार्टर फाइनल में हार का सामना करना पड़ा। अंतिम 16 में भारतीय जोड़ी को जापानी जोड़ी ने 21-18, 21-7 के अंतर से हराया। हांगकांग ओपन के पुरुष युगल मैच में रोहन कपूर और सिक्की रेड्डी की जोड़ी को भी हार का मुंह देखना पड़ा। भारतीय जोड़ी को सिंगापुर की जोड़ी ने हार का मुंह दिखाया। वहीं महिला एकल में भारत की आकर्षि कश्यप हार कर प्रतियोगिता से बाहर हो गई। आकर्षि को जर्मनी की ली इवॉन ने शिकस्त दी। और अब बात कर लेते हैं फुटबॉल की। भारतीय फुटबॉल टीम 19 सितंबर को चीन के हैंगझोउ में भिड़ेगी। एशियन गेम्स से पहले भारतीय टीम का ऐलान हो गया है। इसमें कुल 17 खिलाड़ियों को जगह दी गई है। टीम में ज्यादातर युवा खिलाड़ियों को मौका मिला है। अच्छी बात यह है कि स्क्वाड में सुनील छेत्री का नाम भी शामिल है। भारतीय टीम की कमान दिग्गज फुटबॉलर सुनील छेत्री को ही दी गई है, जिन्होंने पिछले कुछ समय में भारतीय टीम के लिए शानदार प्रदर्शन किया है। और अब बात कर लेते हैं बैडमिंटन की, जहां पर भारतीय बैडमिंटन स्टार साइना नेहवाल ने भारत की G20 की मेजबानी की जमकर प्रशंसा की है। इसके साथ ही साथ साइना ने यह भी कहा है कि वो अपनी फिटनेस को लेकर के भी काफी ज्यादा जागरूक हैं और उस पर काफी काम कर रही हैं। लाइक द वे नरेंद्र सर यू नो डज थिंग्स, आई वुड लाइक टू कंग्रेचुलेट कि इतना अच्छे तरह से समिट गया। आई एम ट्राइंग टू फिगर आउट दैट विद दिनशा सर एंड सम फिजियोज एंड आई हैव गॉट good opinions that they have helped me with some injections to you know get better cushioning in the knee, but you know let's see if the training is not 100% then the results also are not going to be 100%. You know I know that because I have played for so long, I have won the tournaments, and if the quality of knee is not that good, I don't want to disappoint, you know. ओलंपिक पदक विजेता बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल इन दिनों अपनी फिटनेस पर काफी ध्यान दे रही हैं। उन्होंने कहा है कि खुद को फिट रखना एक सतत प्रक्रिया है जिस पर वो लगातार काम कर रही हैं। साइना नेहवाल से एक खास बात की हमारे संवाददाता नारायण सिंह ने। Right now we are joined by India's top-notch badminton player Sonia Navasena. Welcome to our channel. You are not participating in the Asian Games. You have an injury. Tell something about the status of injury and how you are recovering from it. So the knee injury has been a little bit bothering me for some time. It's a thing which happens to a player who plays for a longer period of time. I can say that knee is going through some degeneration and it's showing inflammation again and again. So with the help of the doctors and physios, I'm trying to overcome it. It's a tough challenge, but I'm trying to
overcome it. And because I love the sport so much, I'm trying really, really hard to come back and do well. But let's see how my body recovers and what the body shows. You have joined with such a fantastic cause, helping poor, so that you can, your whole team can go for a hunger-free world. So how you, what inspired you to join with this initiative? You know, I really love what they're doing for the, you know, for the world. It's very, very important to be a part of such beautiful, noble cause, you know, because they're helping out people there, which is very, very important. And there's so many underprivileged people out there who are not getting the support. And by this noble cause, if they're getting some kind of support, this will really help improve the world. And, you know, what else? You know, I'll be part of this noble cause on 24th September in Gurugram. I'm looking forward for a lot of people to come out there and support the cause. अब बात कर लेते हैं हॉकी की, जहां महिलाओं की एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी प्रतियोगिता के कार्यक्रम की घोषणा हो गई है। ये चैंपियनशिप 27 अक्टूबर से 5 नवंबर तक चलेगी। इस टूर्नामेंट में भारत के अलावा दक्षिण कोरिया, मलेशिया, थाईलैंड, जापान और चीन की टीम भाग लेंगी। टूर्नामेंट की शुरुआत मलेशिया और जापान के बीच होने वाले मुकाबले से होगी, जबकि भारतीय टीम अपना पहला मुकाबला थाईलैंड के खिलाफ खेलेगी। और अब बात करते हैं रफ्तार की। ग्रेटर नोएडा तैयार है एक बार फिर से रफ्तार के दीवानों का दीदार करने के लिए। दरअसल ग्रेटर नोएडा के बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट पर 22 से 24 सितंबर तक मोटोजीपी रेस आयोजित होगी। देखिए ये रिपोर्ट। रफ्तार से फिर गूंजेगा ग्रेटर नोएडा का बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट, क्योंकि साल 2011 के F1 रेस के रोमांच के बाद अब मोटोजीपी की रफ्तार रेस के दीवानों का दिल जीतने के लिए रहेगी तैयार। दरअसल ग्रेटर नोएडा का बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट 22 से 24 सितंबर तक मोटोजीपी की मेजबानी के लिए तैयार है। वैसे ये केवल एक रेस नहीं होगी, बल्कि मोटर स्पोर्ट्स के खेल की दिशा में देश के बढ़ते कदम को भी सामने रखेगी। ग्रेटर नोएडा का बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट वैसे F1 रेस के लिए विश्व मानचित्र पर साल 2011 में सामने आया था, लेकिन अब की बार मोटोजीपी भारत के लिए ये सर्किट नए तरीके से और कुछ बदलाव के साथ सामने है। काफी मेन चीज है कि भाई इंडस्ट्री का बेनिफिट बहुत होता है। एक तो टूरिज्म है, हॉस्पिटैलिटी है, ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज है, मोटरसाइकिल इंडस्ट्री तो है ही, तो इनसे जो कोलैबोरेशन होती हो सकती हैं, जो इंटरेक्शन होती है, बड़े बड़े स्पॉन्सर्स हैं, फ्यूल कंपनीज है, तो काफी डेवलपमेंट के चांसेस है, उम्मीद काफी होते हैं। और ये प्रूवन पॉइंट है अलग दूसरे देशों में। चैंपियनशिप में दुनिया भर से 11 टीमें हिस्सा ले रही हैं और इसमें 22 राइडर्स हिस्सा लेंगे। मोटोजीपी सर्किट की ये 13वीं रेस होगी। जाहिर तौर पर रफ्तार के रोमांच के शौकीनों का जल्द ही ग्रेटर नोएडा में जमावड़ा लगने वाला है और देश इतिहास रचने के लिए तैयार है। मोटर स्पोर्ट्स के प्रशंसकों को मोटोजीपी भारत का बेसब्री से इंतजार है। ये रेस 22 से 24 सितंबर तक ग्रेटर नोएडा के बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट में आयोजित की जाएगी। इस मोटोजीपी में सबसे तेज स्पीड का रिकॉर्ड भी बनता हुआ दिखाई दे सकता है। रेड बुल के एटीएम के ब्रैड बाइंडर इस साल जून में करीब 366 किलोमीटर की प्रति घंटा की रफ्तार का एक नया रिकॉर्ड बनाने में कामयाब हुए थे और माना जा रहा है कि इस सर्किट में ये रिकॉर्ड टूट सकता है और 2023 सर्किट में मोटोजीपी का एक नया आयाम भारत में देखा जाएगा। 13वीं रेस है और निश्चित तौर पे लोगों में इसको लेके बहुत ज्यादा उत्सुकता है। कैमरा पर्सन नवीन और सुमित धीमान के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, ग्रेटर नोएडा। मोटर स्पोर्ट्स के प्रशंसकों को मोटोजीपी भारत का बेसब्री से इंतजार है। यह रेस 22 से 24 सितंबर तक ग्रेटर नोएडा के बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट में आयोजित की जाएगी। इस मोटोजीपी में सबसे तेज स्पीड का रिकॉर्ड बनता हुआ भी दिखाई दे सकता है। इस रेस के बारे में रेसिंग फेयर स्ट्रीट स्पोर्ट्स के डायरेक्टर अमित सांडिल से खास बात की हमारे संवाददाता तापस भट्टाचार्य ने। बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट पे अब मोटो जीपी की रेस भी देखने को मिलेगी। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है अमित सांडिल, जो मेरे साथ बात करेंगे, क्योंकि ये जो पूरा ट्रैक है ये बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट पे हम हैं और ये तैयार है अब मोटो जीपी के लिए। अमित सर, सबसे पहले तो ये बताइए कि डायटर रेसिंग है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है यहाँ पे, F1 का ट्रैक जो है आपने तैयार कर लिया मोटो जीपी के लिए, कैसे? तो यस, F1 का ट्रैक रहा है ये, मोटो जीपी में काफ़ी होमोलोगेशन के चेंजेस कहलाए जाते हैं उनको, ये ट्रैक को हमको होमोलेट करना पड़ा है
जैसे बैरियर्स पीछे जाएंगे थोड़े बहुत, भाई डेब्री फेंस है पीछे पीछे हटेगा थोड़ा, और यहाँ पर ग्रेवल ज़्यादा डाला जाएगा, एसफॉल्ट थोड़ा सा कम हो जाएगा, लेकिन F1 के लिए भी ये भी ट्रैक वैलिडेट है, सर्टिफाइड है। तो दोनों FIA और जो मोटो जीपी की बॉडी है, उन दोनों से आप लोगों को ट्रैक से सर्टिफिकेट मिला हुआ है? मिला हुआ है, ईमेल है, वो अपने लिए बहुत है, फाइनल कमीशन की मीटिंग होते हैं वहाँ पे हो जाता है नॉर्मली। अच्छा एक चीज बताइए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि ये दोनों ऐसा शायद बहुत ही कम कंट्रीज में है जहाँ पे आपके पास F1 के ट्रैक भी और मोटो जीपी की ट्रैक एक ही है, अलग अलग जनरली होते हैं, तो थोड़ा बताइए कि कितना आप लोगों को मुश्किल आई जब आप पहली बार आए और इस चीज को पूरा आप लोगों ने मतलब चेंज करने की कोशिश की? मुश्किल तो पड़ती है, बट इतना काम भी नहीं था कि हमको भाई कुछ ज्यादा चेंजेस करने, चेंजेस मोस्टली 50-60% तो हो जाता है, नो प्रॉब्लम। जो जहाँ पे चेंजेस है, बट ये आप ग्रेवल देखते हैं, इस पे तो ये सिर्फ ग्रेवल नहीं है, इस पे बेड बनाया जाता है, स्लोपिंग बेड होता है, यहाँ पे 10 mm है, वहाँ पे 250 mm है लास्ट में, उसके नीचे जियो टेक्सटाइल डाली जाती है, फिर ड्रेनेज बनाया जाता है। 80 से ज़्यादा ड्राइवर्स आने वाले हैं, 40 से ज़्यादा टीमें हैं, कड़ा मुकाबला है, क्या हम देख पाएंगे कि कुछ नया रिकॉर्ड टूटते हुए इधर? देखो उम्मीद तो यही है, 366.1 किलोमीटर के आके अभी रिकॉर्ड हमको तोड़ना है। नहीं, हमारा राइडर तो MotoGP वाले देखेंगे, यहाँ पे जो है स्ट्रेट लंबा है तो शायद टूट जाए, उम्मीद तो यही है। 1000cc इंजन की बाइक्स यहाँ पे जब धूम मचाएगी तो लोग यहाँ पे बहुत एक्साइटेड होंगे। आप बताइए कितना एक्साइटेड आप फील कर रहे हैं कि भारत में पहली बार इस तरीके के रेस होंगे? बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है, हम तो वेट कर रहे हैं भाई, हो जाए जल्दी से 22 का दिन आ जाए और ये रेस चालू हो जाए। भाई इंडस्ट्री का बेनिफिट बहुत होता है, एक तो टूरिज्म है, हॉस्पिटैलिटी है, ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज हैं। बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट एक तरह से इतिहास रचने वाला है, ये इतिहास का गवाह होने जा रहे हैं हम सब, और 22 तारीख को 80 से ज़्यादा राइडर, 40 से ज़्यादा टीम और धमाल मचाएंगे इस बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट पर, और हम सब उसके गवाह बनेंगे। कैंपस नवीन के साथ मेहताबोष भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, ग्रेटर नोएडा, बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट से। तो वाकई रफ्तार के शौकीनों का एक बार फिर से दीदार करने के लिए तैयार रहेगा ग्रेटर नोएडा का बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट। अब बात कर लेते हैं एशियाई गेम्स की, जो कि एशियाई खेलों में भारत का 19 सदस्यीय बैडमिंटन दल हिस्सा लेने जा रहा है। HS प्रणॉय और किदाम्बी श्रीकांत जहां पुरुष एकल में पदक की दावेदारी पेश करेंगे, वहीं महिला एकल में अनुभवी PV सिंधु और युवा अश्मिता चालिहा कोर्ट पर उतरेंगी। पुरुष युगल में चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज की जोड़ी को पदक जीतने का सबसे बड़ा दावेदार माना जा रहा है। एशियाई खेलों के इतिहास में भारत ने अब तक 1 रजत और 9 कांस्य पदक जीते हैं। सितंबर से चीन के हांगझाऊ में एशियाई खेलों का आयोजन होने जा रहा है। 15 दिनों तक चलने वाली ये महाद्वीपीय प्रतियोगिता पहले साल 2022 में होनी थी, लेकिन कोरोना महामारी की वजह से इसका आयोजन अब 2023 में स्थानांतरित कर दिया गया। 4 साल के अंतराल पर होने वाली इस प्रतियोगिता में भारत ने हमेशा ही शानदार प्रदर्शन किया है, और इस बार भी भारतीय दल अपने प्रदर्शन को और बेहतर करने के इरादे के साथ इन खेलों में हिस्सा लेने जा रहा है। अन्य खेलों की तरह ही बैडमिंटन में भी भारत को पदक से काफी उम्मीदें हैं। पुरुष एकल, महिला एकल और पुरुष युगल में भारतीय खिलाड़ी पदक के दावेदार माने जा रहे हैं। इन खेलों में भारत का 19 सदस्यीय दल हिस्सा लेने जा रहा है, इनमें 10 पुरुष और 9 महिलाएं शामिल होंगी। तनिषा क्रिस्टो महिला युगल और मिश्र युगल दोनों में दिखाई देंगी। 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता PV सिंधु महिला एकल में, HS प्रणॉय पुरुष एकल में, चिराग शेट्टी सात्विक साईराज रंकी रेड्डी पुरुष युगल में और गायत्री गोपीचंद त्रिशा जौली की जोड़ी महिला युगल में सामने होगी। उनकी विश्व रैंकिंग के आधार पर टीम में बिना किसी ट्रायल के ही स्थान दिया गया है, बाकी खिलाड़ियों का चयन हैदराबाद में ट्रायल के जरिए किया गया। एशियन गेम्स के लिए भारतीय बैडमिंटन टीम इस प्रकार है: पुरुष एकल HS प्रणॉय और किदाम्बी श्रीकांत, लक्ष्य सेन और मिथुन मंजुनाथ, पुरुष युगल सात्विक साईराज रंकी रेड्डी चिराग शेट्टी और ध्रुव कपिला MR अर्जुन, महिला एकल PV सिंधु अश्मिता चालिहा अनुपमा उपाध्याय और मालविका बंसोड, महिला युगल गायत्री गोपीचंद त्रिशा जौली और अश्विनी पुनप्पा तनिषा क्रिस्टो, मिश्र युगल रोहन कपूर एन सिक्की रेड्डी और साई प्रतीक के तनिषा क्रिस्टो। एशियाई खेलों में भारत ने अब तक 1 रजत और 9 कांस्य पदक सहित कुल 10 पदक जीते हैं। टीम
इंडिया को अब भी एशियाई खेलों के अपने पहले स्वर्ण पदक की तलाश है। पिछले कुछ समय से भारतीय खिलाड़ियों का प्रदर्शन बैडमिंटन में अच्छा रहा है। पुरुष एकल में HS प्रणॉय शीर्ष भारतीय के रूप में कोर्ट पर उतरेंगे। प्रणॉय के लिए साल 2023 अब तक शानदार रहा है। उन्होंने हाल ही में विश्व चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता था। उन्होंने इस साल मलेशिया मास्टर्स का खिताब जीता तो वहीं ऑस्ट्रेलियन ओपन के फाइनल तक भी पहुंचे थे। प्रणॉय के अलावा युवा लक्ष्य सेन और अनुभवी किदांबी श्रीकांत से भी पदक की उम्मीद रहेगी। हालांकि इन दोनों खिलाड़ियों का हालिया प्रदर्शन उम्मीद के अनुरूप नहीं रहा है। महिला एकल में दो बार की ओलंपिक पदक विजेता PV सिंधु पर पदक जीतने का दबाव होगा। सिंधु पिछले दो एशियाई खेलों में पदक जीतने में सफल रही हैं। उन्होंने जकार्ता में 2018 में हुए एशियाई खेलों में रजत पदक जीता था। वहीं 2014 में वो कांस्य पदक जीतने में कामयाब रही थी। इस बार उनकी कोशिश पदक की हैट्रिक लगाने की होगी। हालांकि इस साल उनका प्रदर्शन उम्मीद के अनुरूप नहीं रहा है। पुरुष युगल में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी एशियाई खेलों में इस बार पदक की सबसे बड़ी उम्मीद के रूप में कोर्ट पर उतरेंगे। इस साल चिराग और सात्विक साईराज की जोड़ी ने जुलाई में कोरिया ओपन का खिताब अपने नाम किया था। इस साल उन्होंने इंडोनेशिया सुपर 1000 और स्विस ओपन सुपर 500 का खिताब भी जीतने में सफलता हासिल की थी। जकार्ता में हुए पिछले एशियाई खेलों में भारत को केवल दो पदक हासिल हुए थे। ये दोनों पदक महिला एकल में थे। भारत की PV सिंधु ने रजत और साइना नेहवाल ने कांस्य पदक जीता था। ऐसे में भारतीय बैडमिंटन दल की कोशिश इस बार अपने पदकों की संख्या को बढ़ाने पर रहेगी। स्पोर्ट्स डेस्क, DD न्यूज। तो इस बार 19वें एशियाई खेल जो हैं वो चीन के हांगझोउ में आयोजित हो रहे हैं, जो कि 23 सितंबर से इन खेलों की शुरुआत होगी और ये खेल जो हैं वो 8 अक्टूबर तक चलेंगे। बहरहाल खेल समाचार के आज के इस अंक में फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी स्पोर्ट्स टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। की बिसात